अस्सलाम वालेकुम नाजरी, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 91 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। चार मीनार में जो पुराना पुल डिवीजन है और डिवीजन में हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर एम पी साहब हैं श्रीकांत साहब की सदारत में बटकम्मा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे एम पी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज चंदी भाई भी शरीफ है और हमारे खासतौर से चार मीनार के हमारे सलाउद्दीन साहब जो चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं, हमारे अदर तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी आए, हमारे कारपोरेटर्स बहने भी आए हैं। ये बटकम्मा फेस्टिवल ये हमारा अपना तेलंगाना का फेस्टिवल, देखिए अब यहाँ पर जितने हिंदू मुस्लिम भाई इसमें शरीक हैं, ये कौमी यकजहती का एक त्यौहार है। ये बारिश मौसम के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अंदर हम लोग 9 दिन तक बटकम्मा खेलते हैं और इसके लिए ख़ासतौर से तेलंगाना बनने के बाद तो हमारी एक्स एम पी है कविता मैडम साहिबा ने इस प्रोग्राम को काफ़ी हाईलाइट किया। हमारे आनेबल सी एम साहब इस बटकम्मा में 1 करोड़ हमारी महिला बहनों को साड़ियाँ तकसीम करते हैं और ये मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में किसी जगह इस तरह का त्यौहार नहीं है। ये बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद ये फूलों का त्यौहार है। ये फूलों के जो बटकम्मा खेला जाता है ये बहुत अच्छी तरीके से मुसलसिल 9 दिन तक बटकम्मा का अहतमाम करते हैं। मैं तमाम मेरे कारपोरेट भाइयों बहनों को, मेरे इंचार्ज भाइयों को और जो जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और श्रीकांत साहब जो हमारे साबिका यूपी कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट है उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया और इसमें एक भाईचारे की मिसाल पेश की और जो मुझे मौका दिया उसका मुझे शुक्रिया।